नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन खान। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश से सभी परेशान हैं। बारिश की वजह से घर गिर रहे हैं। ताजा मामला बागों वाली गांव का है, जहां दो मंजिला मकान अचानक से भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई मकान के अंदर मौजूद नहीं था, जिसे कोई जनहानि नहीं हुई। वही पीड़ित ने बताया कि इस घटना में 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिससे पीड़ित प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। मकान का कारण यह रहा कि मकान दो मंजिला, उधर जो साइड है, साइड वो खाली जगह थी, वहाँ से बारिश पड़ने से पहले इन्होंने मिट्टी उठाई कम से कम 3 फुट, और वो मिट्टी उठाने के बाद वहाँ एक गड्ढा सा हो गया। वो पानी जो 3-4 दिन बारिश पड़ी, सब पानी वहीं जमा हो गया, और पीछे तो जो पानी आया वो भी उसी में गिरा, तो बुनियाद में पानी गया, बुनियाद ढीली हो गई, मकान जो गिरा नहीं, एक किस्म का बैठ रहा। वहीं बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीओ सिटी महेश कुमार ने बताया कि चोरी और लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर एक बाइक चोर का गिरोह और 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 4 बुलेट बाइक, 1 तमंचा, अवैध 3 चाकू और जिंदा कारतूस सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी कोतवाली शहर थाना पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया था, 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। इसी अभियान के तहत क्रम में कल 5 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई। ये एक मोटरसाइकिल चोर गैंग है, केवल बुलेट मोटरसाइकिल ही चोराता है, तो इसमें 5 बुलेट मोटरसाइकिल जो बिल्कुल नई हैं और दिल्ली से चोरी की गई थी, और यहाँ पर लाकर ये सेल करते थे। कुछ गाड़ियाँ एमरेट में ले जाकर कटवाई जाती थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और भी अभी कार्रवाई पुलिस कर रही है। इनके साथ इनके पास से 1 तमंचा और 3 चाकू भी बरामद हुए, और बैलपुर में भी काफ़ी चोरी कर चुके हैं। बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 के शेर कोट पर एक कार और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार नेशनल हाईवे 74 पर शेरकोट थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कुंडा में पहुंची, तभी रोडवेज बस से उसकी टक्कर हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही बिजनौर में रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने रेलवे लाइन के नीचे सुरंग बना ली है, जिससे रोजाना गुजरने वाली ट्रेनों को धीमी गति से गुजरना पड़ रहा है। वही रेलवे विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक जानवर ने 2 मीटर गहरी सुरंग बना ली थी, जिसे बंद करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। वही बिजनौर के कोटरा गांव में 6 महिलाएं सावन के पहले सोमवार को शिव पूजा करने गई थी, जहां मंदिर से वापस लौटते समय पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर थी, जब महिला रपटे से होकर जा रही थी, तभी अचानक तेजी से पानी का बहाव आया और ये सभी महिलाएं बहाव की चपेट में आ गईं। महिलाओं को डूबता देखकर लोगों ने गोताखोरों को बुलाया और महिलाओं को बचाने की कोशिश की गई। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 महिलाओं को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अन्य बाकी महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। कौन सा ये घटना कैसे घटी है? प्रसाद कहां चलाने गई थी? तो क्या हुआ वहाँ पर? नहीं है पानी निकल कार से प्रसाद चढ़ाकर, मतलब खाई है क्या? कोई खाई सी दिखे तो बना हुआ रफ्ता बना हुआ है, आप रफ्ते के पीछे खाई हैगी। तो फिर क्या हुआ? तो इनका कैसे पता चला कि ये मृत हो गई दोनों? फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।